न हाई फाई रेस्तरा, न म्यूजिक और न ही डायमंड रिंग। अभिषेक बच्चन ने फिल्म गुरुवार की शूटिंग में इस्तेमाल की गई अंगूठी ऑफर करके ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया। एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने बताया कि ऐश को प्रपोज करने से कुछ साल पहले वे न्यूयॉर्क में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक रात होटल की बेलकोनी में खड़े होकर मन में ख्याल आया, कितना अच्छा हो अगर ऐश संग उनकी शादी हो जाए। सालों बाद जब टोरंटो में फिल्म गुरुवार के प्रीमियर के बाद फिल्म की स्टार कास्ट न्यूयॉर्क पहुंची को अभिषेक ऐश्वर्या को उसी होटल की बेलकोनी में ले गए और प्रपोज किया। ऐश्वर्या ने भी बिना देर किए पल भर में हाँ कह दिया। यहीं से शुरू हुआ इस कपल के पावर कपल बनने का सफर। मुंबई लौटते ही दोनों ने अपने परिवारों से बात शेयर की। 14 जनवरी 2007 को अमिताभ बच्चन के घर पर इनकी सगाई हुई और 3 महीने बाद 20 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अभिषेक बच्चन के मन में ऐश के प्रति प्यार कुछ न कहो की शूटिंग के दौरान हुआ। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी सलमान गाड़ी भगाते हुए शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे। सलमान ने ऐश के साथ वहां बहुत खराब तरीके से बात की। यह बात अभिषेक बच्चन को बहुत बुरी लगी। इस फिल्म की शूटिंग के बाद ऐश और अभिषेक का मिलना जुलना शुरू हुआ। साल 2006 से 2007 में ऐश और अभिषेक एक दूसरे के करीब आए। इस दौरान वे तीन फिल्मों उमराव जान, धूम 2 और गुरुवार की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म बंटी और बबली के गाने का जरारे के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ी।